बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। योगी जी, उत्तर प्रदेश में कोई जातियावाद की बात को मानते नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे यहां कोई जात पात की बात करता मैं बोलता हकाल दूंगा तुमको। आदमी उसके जाति से नहीं उसके गुणों से बड़ा होता है, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और सही अर्थ में महंत गोरखनाथ जी से लेकर प्रभु रामचंद्र तक, छत्रपति शिवाजी महाराज तक, जो राम राज्य और शिवशाही की बात की गई थी उसी की स्थापना करना है। मोदी जी के नेतृत्व में वही कार्य चल रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भी वही कार्य चल रहा है। मेरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा। मैं अटल जी की बात को याद करता हूं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो इमरजेंसी के खिलाफ कॉलेज छोड़कर काम कर रहा था, तो मुंबई के समुद्र के तट पर पहला भाषण वाजपेयी जी का हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। एमसी छगला उसमें कार्यक्रम में थे, शायद कुछ पुराने लोग उस समय होंगे। तो अटल जी ने कहा था, तब हमारे कोई ज्यादा एमपी नहीं थे, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और बाद में उन्होंने कहा था कि इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके एक आदर्श ऐसा राज्य जिसको हम राम राज्य करते हैं उसकी स्थापना हम करके रहेंगे, यही वचन मैं देता हूं, यही बात अटल जी ने कही थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उसी राम राज्य को हम महसूस कर रहे हैं, उसी के ओर हम जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था हो, सज्जनों की रक्षा हो, दुर्जनों के ऊपर कठोर प्रहार हो, यही भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश था। महाभारत इसीलिए हुआ था, अन्याय के खिलाफ अन्याय जो हुआ था उस अन्याय को दूर करने के लिए न्याय की लड़ाई थी, वो महाभारत था। और धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा है, धर्म का अर्थ कानूनी राज्य के साथ जुड़ा है। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, ये कोई जातिवादी और सांप्रदायिक शब्द नहीं है। और इसी बात को महसूस करते हुए सब धर्मों के साथ समान न्याय होगा। मैं बहुत खुशी जताता हूं कि योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कानून और व्यवस्था के बारे में एक प्रकार से एक आदर्श प्रस्थापित किया। मुझे खुशी है कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की सड़कें हम अमेरिका के बराबर करेंगे और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 2023 में 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए, हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। अभी तक हमने 60,000 करोड़ की लागत से 5,000 किलोमीटर का कार्य पूरा किया है और करीब 2,30,000 करोड़ के काम मंजूर किए हैं और कुछ काम प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। मेरा विश्वास है कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में हम 5,00,000 करोड़ रुपए के रोड का कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश को अमेरिका के बराबर पहुंचाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। कि 4 दिन पहले मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में यह क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवद गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा,
ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।